कोरोना वायरस महामारी झेलने के बाद लोगों की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन अब लगता है कि फिर से इसको किसी की नजर लग गई है। दरअसल न्यूज़पेपर की फ्रंट पर छपी एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ये खबर उस वार्निंग के बारे में है जो WHO ने पूरी दुनिया को दी है। तो क्या फिर से कोरोना महामारी आतंक मचाने को तैयार है, या कोई और वायरस आ गया है जो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। अखबार में जो खबर छपी थी वो डिजीज एक्स के बारे में थी। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया को सचेत उन्होंने किया है, जिसमें एक नई महामारी जो कि कोविड से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है वो दस्तक दे सकती है। जी हाँ, इससे 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स ने इसकी तुलना 1918-1920 के खतरनाक स्पेनिश फ्लू से भी की है। ये कोई एक मामूली खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर है जिसे पूरी दुनिया 2-3 साल पहले झेल चुकी है। खबर ये थी कि साल 2020 में जिस तरीके से कोविड एक सर्दी खांसी से शुरू हुआ और बाद में इसने बहुत ही गंभीर रूप ले लिया था, अब वापस से एक और महामारी आने वाली है। ऐसे में वापस से एक और महामारी झेलने की हिम्मत शायद ही लोगों के अंदर होगी। इस महामारी में 70 लाख लोगों ने जान गंवाई। भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहां अभी भी ये बीमारी है, लेकिन इस पर हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स की माने तो इस वायरस का म्यूटेशन लेवल बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी एक भी पॉजिटिव केस सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। ब्रिटेन के साइंटिस्ट इस डिजीज एक्स के आने से पहले इसे लेकर अपनी तैयारियां पूरी रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वैक्सीन बनाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही वह इसके साथ साथ 25 तरह के वायरस पर भी स्टडी कर रहे हैं, जिसने जानवरों में मिलने वाले वायरस भी इंक्लूडेड है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कि इंसान में भी फैल सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे ऐसे वायरस हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। तो इसके सेफ्टी प्रिकॉशन यही है कि आप हमेशा अपने आसपास सफाई जो है उसको बना के रखें और हेल्दी रहें। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। नमस्कार।